વાપીમાં પ્રખર સમાજ સેવિકા અને પૂર્વ નગર સેવિકા સ્વર્ગસ્થ મંજુ દાયમાની 15મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે મેગા રક્તદાન શિબિર અને નેત્ર ચકાસણી કેમ્પનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 600 યુનિટ જેટલું રક્ત એકત્રિત કરવાનું લક્ષ્યાંક સેવામાં આવ્યું હતું। વાપીમાં રાજસ્થાન પ્રગતિ મંડળ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા છેલ્લા 15 વર્ષથી મહારક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જે અંતર્ગત આજે રાજસ્થાન ભવન ખાતે યોજાયેલા રક્તદાન અને નેત્ર ચકાસણી કેમ્પ યોજાયો હતો। મહિલા સશક્તિકરણ હેઠળ પણ વિવિધ કાર્ય કરી તેમના જીવનના અધૂરા કાર્યોને પૂર્ણ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે। देखिए, सामाजिक सरोकार के नाते से स्वर्गीय मंजू देवी दायमा जी की स्मृति में ये रक्तदान शिविर लगातार 15 साल से चलाना अद्भुत और अलौकिक है। मैं इसके लिए राजस्थान प्रगति मंडल और पूरे दायमा परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि समाज जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता कोई की है तो रक्त की हो, और रक्तदान करना इससे बड़ा पुण्य कुछ हो नहीं सकता। ऐसे पुण्य काम करने वाले सभी वापी के लोगों का मैं राजस्थान की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम लोगों को भी यहाँ आने पर एक प्रकार से रिफ्रेशर से हम लोग लगते हैं, एक नई ऊर्जा, नई उत्साह का संचार हम लोगों के बीच में होता है। और निश्चित रूप से इस विरह के दिवस को आदरणीय बीके दायमा जी ने एक उत्साह का दिवस बना करके सब लोगों में एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा उनको दी है कि समाज जीवन में समाज का काम करने के लिए सभी प्रकार के प्रकल्पों पे, सभी प्रकार के विषयों पे आप विचार करके कैसे समाज की प्रगति हो, तरक्की हो, कैसे सब लोगों का सर्वांगीण विकास हो, ये भाव इसमें से पैदा करके लोग जाते हैं। ये अपने आप में एक अनुकरणीय है। नाम और मुकेश दादी, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का। मेरा नाम राजेश दुग्गर, राजस्थान प्रगति मंडल का नवनिर्वाचित अध्यक्ष। हर साल की तरह राजस्थान प्रगति मंडल एक राजस्थानी पूरे परिवारों का ये एक मंडल है, जिसमें ये राजस्थानी पूरे राजस्थानियों के सहयोग से ये राजस्थान भवन का निर्माण हुआ है। और राजस्थानी हर क्षेत्र में, जो समाज में, सहयोग में और हर चीज़ के अंदर, जैसे कोरोना काल हो या कोई भी चीज़ की आपदा हो, उसके अंदर राजस्थानी समाज हमेशा अग्रसर और आगे बढ़ के हमेशा अपना योगदान अर्पित करता है। और इसी क्रम के अंदर राजस्थान प्रगति मंडल के बैनर के तले श्रीमती मंजू दायमा की स्मृति के अंदर ये 15 साल से लगातार कोरोना काल के अंदर भी, ये जो महामारी थी जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लड की जरूरत थी, उस कोरोना काल के अंदर भी ये ब्लड का कैंप रुका नहीं था, उस दौरान भी ये कैंप लगातार कंटिन्यू चालू रहा। और उसी तरह से क्या है कि ये जो ब्लड का चीज़ें हैं या और वृक्षारोपण हैं या और दूसरे जो सामाजिक कार्य हैं, उसके अंदर राजस्थान प्रगति मंडल अपना बढ़ चढ़ के योगदान अर्पित करता है। श्रीमती मंजू दायमा के स्मृति के उपलक्ष्य में ये 15वां ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान समाज की प्रथम महिला पार्षद श्रीमती मंजू दायमा रही और वो सामाजिक कार्य में जिस तरह से अग्रसर हमेशा रही, उसी के स्मृति के अंदर राजस्थान प्रगति मंडल उनकी याद में ये ब्लड कैंप का आयोजन करता है और ये हमेशा आगे चलता रहेगा। और आगे अब राजस्थान प्रगति मंडल अपना योगदान अर्पित करता रहेगा समाज के प्रति। जीवन में तो जीवन की गाड़ी चलती रहती है और उस पर कई तरह के पड़ाव आते रहते हैं। स्वर्गीय मंजू दायमा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई थी और वापी में उसने अपनी कर्मठता, सेवा और समाज के साथ जुड़ाव रखने की भावना के साथ एक मुकाम हासिल किया था। वापी नगर पालिका के पार्षद के रूप में, लायंस क्लब के प्रेसिडेंट के रूप में, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में उसकी दो बड़ी चिंताएं रहती थी। एक तो रक्तदान की प्रवृत्ति किस तरह से लोगों में बढ़ाई जाए, कुछ रक्तदान के लिए लोगों को इधर रक्त के लिए लोगों को यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़े। दूसरी, उस समय में शिक्षा के क्षेत्र के अंदर और बहुत कम स्कूलें थी और लोगों को अच्छी स्कूलों में एडमिशन के लिए बहुत करना पड़ता था, तो वो हमेशा कहती थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो उसके जाने के बाद में हमने उसकी इन्हीं भावनाओं को सम्मान देते हुए
मंजूदाई में मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की और राजस्थान प्रगति मंडल के सहयोग से ये रक्तदान शिविर के आयोजन को कि रक्तदान की प्रवृत्ति को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए ये आयोजन किया गया। उसके नाम से संस्कार विद्यापीठ छरवाड़ा के अंदर हम संस्कार विद्यापीठ नाम की एक स्कूल की स्थापना की जिसमें अभी 350 के ऊपर बच्चे हैं, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है और वहाँ भी हमें इसी सेवा की प्रवृत्ति को बना के रखा हुआ है। वहाँ भी जो फादरलेस चाइल्ड है, जो बच्चे हैं जिनके पिता नहीं है, उनसे कोई फीस नहीं ले जाती, उनके लिए उनको यूनिफॉर्म और किताबें भी हम उपलब्ध कराते हैं। मैं वापी के सारे लोग जो ऐसे बच्चे हैं उनको भी मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे कोई बच्चे किसके हुए तो हमारे विद्यालय में लेके आए और उस तरह के दूसरे की महिला सशक्तिकरण के सेवा कार्य भी चलाते हैं। तो इस तरह से 30 जुलाई को जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन होता है उससे हम उसके अंदर की जो इच्छाएं थी जो वो अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाई उनको